इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ABS 275 डिग्री ईस्ट पर जो आपको सैटेलाइट मिलता है, क्यू बैंड सैटेलाइट, जो कि ऑल इंडिया इसे आप ट्रैक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको डिश सेटिंग और चैनल लिस्ट दिखाएंगे, किस तरीके से आपको डिश सेटिंग करना है, इसकी एलएमए पोजीशन वगैरह सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो यहाँ पर जो हमारा डीडी फ्री डिश पर डिश एंटीना अभी फिलहाल में सेट है NHS 6 और G-Set 15। तो यहाँ पर आवाज सुनाई दे रही है दोस्तों, जो कि यहाँ पर हमने अपने सेटअप बॉक्स में एक बजर सेट किया है, जो कि सैटेलाइट का सिग्नल मिलते ही यहाँ पर बजर बजना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम ABS 2 को सैटेलाइट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आप स्क्रीन पर इसकी स्ट्रांग टीपी नोट कर सकते हैं, 12524 हॉरिजॉन्टल 34x0, तो ये इसकी स्ट्रांग टीपी है। और ये जो सैटेलाइट था काफी अच्छा सैटेलाइट था, जो कि हमें 2 साल पहले यहाँ पर काफी सारे चैनल दिखाई देते थे। ADD फ्री डिश जैसा एक ही सैटेलाइट था जिसे आप आराम से ऑल इंडिया ट्रैक कर सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल में इस सैटेलाइट के ऊपर से सारे चैनल रिमूव कर दिए हैं। फिलहाल में दोस्तों यहाँ पर आप 5 से 6 चैनल इस पर देख सकते हैं, कभी भी आप इस सैटेलाइट को ट्रैक करते हैं तो। तो दोस्तों चलिए बाहर चलते हैं और हम आपको डिश सेटिंग दिखा देते हैं, किस तरीके से आपको डिश सेटिंग करना है। तो जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह हमारा क्यू बैंड का डिश एंटीना है जो कि वीडियोकॉन का है, और यहां पर आप सामने आप टीवी स्क्रीन भी देख सकते हैं जो कि आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये फिलहाल में हमारा डिश एंटीना सेट है G-Set 15, यानी कि 200 NSA 6 और G-Set 15 दोनों सैटेलाइट पर हमने डिश एंटीना सेट किया है। अपना डीडी फ्री डिश का जो सैटेलाइट का LNB पोजीशन है दोस्तों कुछ इस तरीके से रहता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको इसको थोड़ा सा सीधा कर लेना है, LNB यहाँ पर आपको इस तरीके से रखनी है दोस्तों, जो कि बिल्कुल सेंटर में आएगी थोड़ा सा, तो आप इसे ये साइड में भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम पीछे की साइड से आप दिखा देते हैं। आपको सबसे पहले LNB पोजीशन इस तरीके से रखना है, स्क्यू एंगल इसका, और यहाँ पर जो है दोस्तों हम पीछे की साइड से आपको दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा डिश टीवी का डिश एंटीना डीडी फ्री डिश पर सेट है। ये हमारा नीचे के रूम में एक टीवी है, उसको इसका कनेक्शन गया है दोस्तों। और अभी जो ABS सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको डिश के पीछे रहकर आपको आपके राइट साइड में आपको डिश को घुमाना है दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डीडी फ्री डिश है, तो यहाँ से आपको लगभग दोस्तों आप यहाँ पर हमारा हाथ देख सकते हैं, यहाँ पर से ये डीडी फ्री डिश है, तो आपको इधर की साइड में थोड़ा सा राइट साइड में आपको डिश एंटीना को अप डाउन करते हुए लेके जाना है दोस्तों, तभी आपको जो है इसका सिग्नल मिल जाएगा और आप ये सैटेलाइट सेट कर सकते हैं। काफी सिंपल है दोस्तों, आप अगर इसको अच्छी तरीके से देखते हैं समझते हैं तो आपका जो है दोस्तों डिश एंटीना सेट हो जाएगा ABS 2 सैटेलाइट पर। तो आपको भी अगर डिश सेट करना है, ये सैटेलाइट सेट करना है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिना स्किप क्यों है। तो यहाँ पर हम कैमरा लगा देते हैं स्टैंड पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो दोस्तों इसके नट बोल्ट थोड़े से ढीले करके हम जो है दोस्तों आपके सामने यहाँ पर डिश सेट करके दिखाएंगे, जो कि यहाँ पर ABS 2 सैटेलाइट पर हम डिश सेट करेंगे। थोड़ा सा आपको अप डाउन करना है और डिश के पीछे रह के आपको दोस्तों राइट साइड में आपको डिश एंटीना को घुमाना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे ही करते जाइए दोस्तों जब तक आपको सिग्नल ना मिले तब तक। तो दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा अप डाउन करना है दोस्तों, यहाँ पर बजर बज रहा है दोस्तों, आप अगर गौर से सुनेंगे तो यहाँ पर आपको एक बीप सुनाई दे रही है दोस्तों, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा LNB का स्क्यू एंगल थोड़ा सा चेंज करके आपको देखना है, थोड़ा सा सिग्नल आपको परफेक्ट तरीके से यहाँ पर जैसी भी हो वैसे आपको मिलाना है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें काफी अच्छे तरीके से सिग्नल मिल चुके हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा डिश एंटीना को कस लेते हैं और यहाँ पर से हम टीवी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, अंदर से आपको यहाँ पर टीवी स्क्रीन नजर आ रही है दोस्तों, जिस पर आपको सिग्नल देखने को मिल रहे है। तो चलिए टीवी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अपने टीवी स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं और आपको यहां पर एक बजर की आवाज सुनाई दे रही है दोस्तों, जो कि हमने अपने MPG 4 सेट टॉप बॉक्स में बजर सेट किया है,
जब भी कोई सिग्नल मिलता है तो यहाँ पर बजर बजना स्टार्ट हो जाता है। तभी फिलहाल में हम इसे ऑफ कर देते हैं, इसका बटन हम ऑफ कर देते हैं ताकि आपको आवाज ठीक से सुनाई दे। तो दोस्तों यहाँ पर से हम अब इसे स्कैन करेंगे, तो यहाँ पर हम ब्लाइंड मोड सेलेक्ट करेंगे और FTA को यहाँ पर नो रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारे स्क्रैम्बल भी चैनल स्कैन हो जाएंगे अगर इसमें कोई चैनल टेम्पररी ऐड होता है। काफी सारे फीड चैनल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल में सुबह के 10 बजे है और अभी ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है लगभग आपको मेरे हिसाब से दोस्तों 5 से 6 चैनल मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 चैनल स्कैन कर दिए हैं, 1 TPS ने स्कैन की है। और यहाँ पर हम वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारा स्कैनिंग कम्प्लीट हो चुका है और जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें टोटल यहाँ पर 6 चैनल मिल चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम आपको चैनल चलाकर दिखा देते हैं कौन कौन से चैनल आपको इस सैटेलाइट पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 TP मिल चुकी है जो कि आप यहाँ पर से नोट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और चैनल देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम सैटेलाइट सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि यहाँ पर NSS 6 पर हमने सैटेलाइट सेलेक्ट किया था। और यहाँ पर हम ABS 2 सैटेलाइट सेलेक्ट करके चैनल लिस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SBN इंटरनेशनल नाम से आपको ये चैनल मिल रहा है दोस्तों। काफी अच्छा सिग्नल है, 71% आपको सिग्नल मिल रहा है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। TBN नाम से आपको एक चैनल मिलता है दोस्तों, TBN एशिया। और एक चैनल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं Daystar नाम से आपको यहाँ पर चैनल देखने को मिलता है। काफी अच्छे चैनल आपको यहाँ पर क्वालिटी में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों कुछ देखने लायक चैनल नहीं है दोस्तों। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं एक HD चैनल आपको यहां पर मिल जाता है, काफी अच्छी क्वालिटी है दोस्तों इसकी, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कैनल 10 एशिया। और ये CH नाम से एक चैनल स्कैन हो चुका है दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये सभी चैनल आपको 75° ईस्ट पर मिलते हैं, यानी कि दोस्तों ABS 2 जो कि KU बैंड का सेटेलाइट है और आप इसे ऑल इंडिया ट्रैक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको यही एक अपडेट देना था जो कि यहाँ पर हमने आपको डिश सेटिंग करके दिखाया है। ABS 2 को किस तरीके से आप सेट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी है तो आप भी सेट कर सकते हैं। तो और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं। बेल आइकॉन प्रेस करते समय ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। और दोस्तों आपको ये वीडियो कहीं पर भी पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कोई नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।